फेक न्यूज पर गाइडलाइंस जो सरकार की तरफ से दी गई थी वो वापस ले ली गई। पीएमओ के दखल के बाद ये निर्देश वापस ले लिए गए हैं। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने निर्देश पहले जारी किए थे, अब पीएमओ की तरफ से कहा गया है कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ही मामले की सुनवाई करेगी। धीरेन्द्र पुंडिर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ है। धीरेन्द्र, पहले का जो नोटिफिकेशन था उसमें और अब प्रेस काउंसिल सुनवाई करेगा, इसमें कितना फर्क है? देखिए, ये काफी बड़ा मामला है जिसको जिस तरह से, क्योंकि जैसे ही ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसके बाद तुरंत रिएक्शन आने शुरू हो गए थे और सरकार बैकफुट पे दिख रही थी, क्योंकि जिस तरह से फेक न्यूज को अभी तक डिफाइन करना भी प्रॉपर तरीके से डिफिनेशन नहीं थी और उन इस तरह की कोई चीज नहीं थी उसको लेकर। हालांकि पहले जो एनबीए और पीसीआई को दिया गया था, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय से जो पीएमओ से जो क्लेरिफिकेशन आया और जिस तरह से उस पर कहा गया है उससे लगता है कि उन्होंने ये पूरी तरह क्लियर कर दिया कि इसमें कोई नई चीज जोड़ने की जरूरत नहीं है और पीसीआई इस तरह के मामलों की सुनवाई करेगी और वो देखेगी, क्योंकि ये क्लियर कट अभी इसको पूरी तरह से डिफाइन भी नहीं किया गया था उससे पहले। इस तरह के लॉ को लेकर काफी रिएक्शन थे, उसको पैसिफाई करने की कोशिश की गई है, उसको पहले की तरह से रखने की कोशिश की गई है और ये तमाम चीजें अब तभी होंगी जब पहले इनकी डेफिनेशन क्लियर हो। तो फेक न्यूज को लेकर सूचना प्रसारण मंत्रालय की तरफ से जो नोटिफिकेशन था, पीएमओ ने कहा है कि इस मामले की सुनवाई प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ही करे।